वीडियो के शुरू में मैं एक बात करना चाहूंगा जी, जो मैंने आप साथ वीडियो शेयर की चंद दिन पहले ही, आपने दो दोस्तों को साथ बिठाकर, यानी कि जद्दा जेल से जो डिपोर्ट हुए हैं, यानी कि तरहील से पाकिस्तान में पहुंचे जेल के थ्रू, तो वो कंप्लीट वीडियो शेयर कर चुका हूं मैं, जिसमें वो मुकम्मल आपको बताया है जी कैसे पकड़ने का जो भी सूरत है। ये क्यों बता रहा हूं आपको अभी का समझा देता हूं मैं, आप यहां पर लास्ट में, आपको ना इस वीडियो के लास्ट में यहां पर आपको दिखाऊंगा वो वीडियो, उसके ऊपर क्लिक करके मेरी वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, यानी कि कैसे जेल में पकड़े गए, क्या कुछ लगा, क्या कुछ देना पड़ा या जो भी था जी। बात मैं वीडियो के शुरू में ये करना चाहता था, जब वो मेरा दोस्त जेल से डिपोर्ट हुआ ना, तो जेल में उसके साथ एक और था, यानी कि पाकिस्तानी तो और भी थे, लेकिन वो बंदा जो एक और जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो था, जो वो बोलता है जद्दा में जब मैं दिहाड़ी के ऊपर निकलता था ना, तो मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ते थे, ये बंदा फजर की नमाज के टाइम बाहर बैठा होता था, मजदूर था एक टांग से, पाकिस्तानी था जी, और इसे मैं 5 रियाल देता था रोज। तो जद्दा जेल में मैं जब पकड़ा गया, वहां पर गया, तो वहां पर इसको भी वो लोग उठाकर ले गए थे, क्यों, भीख मांग रहा था, पाकिस्तानी था, पकड़ा गया, उसके साथ ही डिपोर्ट हुआ। बहरहाल आपको वीडियो क्लिप आगे मैं वीडियो में दिखाता हूँ, और आपको एक दो बातें भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तकरीबन आप भाइयों को इससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं, आप अगर सिंपल अल्फाज में आपके साथ बात कर दूं, तो वो ये होगी जी कि रंग में भंग डालने वाली बात है। वो कैसे, मैं आपको यहाँ पर वो वीडियो क्लिप भी दिखा देता हूँ, और इसके अलावा जो बंगाली पकड़े गए हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, और एक पाकिस्तानी जनाब, पाकिस्तानी साहब भी पकड़े गए हैं, अपनी कंट्रीज का नाम बदनाम करते हैं। और एक मैं आपको खुद का छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा, एक बंदा जो मुझसे भीख मांगने के लिए आया जी, मदीना शरीफ में मैं था, मदीना सिनाइये में मौजूद था उस टाइम, मैं गाड़ी का काम वगैरह करवा रहे थे, और मैं गाड़ी के ऊपर ही खड़ा हुआ था, इतनी देर में एक पाकिस्तानी आया मेरे पास, सलवार कमीज डाली हुई, पाकिस्तानी पंजाबी बोल रहा था, तो मैनू आ कहता है कि यार अल्लाह के नाते कोई मेरी मदद नहीं करते। मैंने उसको बोला कि भाई खैरियत है, वो उतनी देर में वो कमीज अपनी उठाने लग गया ऐसे, तो नीचे जो वो उसने उसके को मसला बना हुआ था, मसला क्या बना हुआ था मैंने इतना गौर तो नहीं किया, लेकिन ना मुझको बाद में जब मैंने रूम में इस चीज का जिक्र किया, तो एक बुजुर्ग था वो मुझे बताने लगा कि वो लोगों ने ना नीचे से उसको कसकर बांधा होता है, वो फिर सूज जाता है, फूल जाता है, तो इसलिए वो ऐसा फील होता है जैसे वाकई इसको कोई बीमारी लगती है। तो फरार था, मैंने उसको बोला कि भाई तू ठहर इधर ही, मैं तेरी अभी मदद करता हूँ। मैंने उस उतनी देर में मोबाइल निकाला जेब से, तो वो बंदा एक तरफ चल पड़ा, बोलता यार नहीं देने तो मत दे, वीडियो तो ना बना। मैंने बोला बात सुन, इधर आ, तेरी तो मैं ज़्यादा की हाजिरी लगवाऊँ ना, जो दूसरी आप दूसरी कंट्री में आकर अपने मुल्कों का नाम बदनाम करते हैं। यहाँ पर एक ये वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप साथ में देखते जाएं, कुछ खवातीन पकड़ी गई हैं जो कि यमनी थी, जिसके बाद मैं आपको वो क्लिप यहाँ पर सुनाऊंगा भी, अभी आप सुन लीजिएगा, जिसमें पाकिस्तानी का जिक्र किया गया और पाकिस्तानी को पकड़ा कैसे गया, वो आगे आप देख सकेंगे इस वीडियो में। बंगाली हैं जी, सो सफाई सुथराई करते हैं, आप रोड के ऊपर ये सफाई सुथराई करते हैं, एक इसके मतलब तो मैं क्लियर हूँ जी, ये जो इन बंदों की सैलरी उतनी की होती है, इनको ऐसे जो रोड के ऊपर सफाई वगैरह का काम करते हैं, वहां से इनको 2-4-5 रियाल ऐसे मिलते हैं, शाम को इनकी 20-30 रियाल 50 रियाल की दिहाड़ी लगती है, इस चीज को मिलाकर इनकी भाई सैलरी अच्छी निकलती है, वरना इनकी सैलरी के मतलब आपको इल्म है जी 800, 1000, 1200 ज्यादा से ज्यादा यही सैलरी होती है, वरना मैंने आप ऐसा भी सुना है 600-600 में लगे हुए हैं कुछ, ऐसा भी सुना है मैंने। दोबारा पाकिस्तानी का क्लिप आप सुन ले, फिर आगे मैं आपको बता दूँ। يقوم بالتسول بشكل مباشر من المارة امام المحلات التجارية ولنتذكر ان پاکستان کا کلپ اپ نے سن لیا ہے یہ پاکستانی بھی کہیں پر بیٹھا ہوا یہ اسیر کے علاقے سے ویڈیو لی گئی ہے تو وہاں پر بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے اپ کو جدہ میں کہیں نہ کہیں ایسے افراد مل جائیں گے تو پکڑ لیا گیا ہے جی ابھی ظاہر سی بات ہے ڈی پورٹ کر دیا جائے گا جیل کے تھرو اور جدہ میں حال ہی میں جو میں اپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر چکا ہوں میرے ایک دوست کی وہ اپ کو ویڈیو مشکل میں پہلے میں اپ کو بتا چکا ہوں اس کے ساتھ ہی جو بندہ ڈی پورٹ ہوا ہے تو خدا رہا ایسا کام کوئی بھی مت کیجیے اور ان کی مدد بھی مت کیجیے کیونکہ اگر کوئی بندہ ان کی مدد کرتے ہوئے پکڑا گیا چاہے وہ اسی جرم میں شمار ہوگا کس جرم میں کوئی بھی بھیک مانگتا ہوا بندہ سعودی میں پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر 50,000 ریال سے 1,00,000 ریال تک کا فائن ہے اور 2 سال سے 5 سال تک کی قید ہے کوئی بھی بندہ ان کی مدد کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے اوپر بھی یہی قانون لاگو ہوگا